हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलने वाली हूँ जो आप राइट करेंगे। सी हाउ मेनी ऑफ यू डू इट करेक्टली। सो फर्स्ट वर्ड इज फ्रिज, फ्रिज। सेकंड वर्ड इज विलेज। थर्ड वर्ड इज जज। हैव यू ऑल रिटन? Now tell me how many you have written fridge like this or like this, fridge and village like this, village। अगर आपने इन वर्ड्स को इस तरह से राइट किया है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स रॉन्ग स्पेलिंग है। Now I'll tell you why. First of all, the point is at the end of the word, if the sound comes j, j के लिए last में आप कभी भी j का use नहीं करते हैं। Shall we write it? J is never used at the end of any word. J is never used at the end of any word. J sound के लिए आप J का use नहीं करते हैं। I hope first point is very clear. The question arises, फिर J sound के लिए हम क्या use करते हैं? Last में जब भी J sound आता है तो हमारे पास two options हैं, D, G, E. It is called the trigraph. जब भी थ्री लेटर्स मिलकर एक साउंड बनाते हैं उनको हम ट्राइग्राफ बोलते हैं, एंड जी ई मतलब टू लेटर्स जब मिलके एक साउंड बनाते हैं उनको हम डायग्राफ्स बोलते हैं। सो जो साउंड के लिए हमारे पास एक ट्राइग्राफ है एंड एक डायग्राफ है, ट्राइग्राफ डी जी ई। जब भी आप इस कॉम्बिनेशन को एक साथ देखेंगे इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज ज, एंड जी ई जब भी इस कॉम्बिनेशन को इस डायग्राफ को आप एक साथ देखेंगे इट इज प्रोनाउंस्ड एज ज। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड इज इफ यू वांट टू राइट जयपुर, जयपुर इज अ सिटी, यू आर ऑल नोन विद इट, जयपुर। सो शुड वी राइट इट लाइक दिस, जयपुर, शुड वी लाइक राइट इट लाइक दिस? नो, because this combination is never used at the beginning of any word. किसी भी word की beginning पे ये combination use नहीं होता है। J sound के लिए अगर starting में हमें करना है तो हम J का ही use करते हैं। ये combinations जो है हमारे पास trigraph and digraph, ये हमारे पास word ending के लिए हैं and not at the beginning. पहले ये पॉइंट क्लियर करना इंपॉर्टेंट था। नाउ कम्स, अब इन दोनों ज साउंड में हम डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं। डी जी ई इस कॉम्बिनेशन का यूज हम शॉर्ट वॉवल साउंड के बाद करते हैं। लाइक सबसे पहले हम इसका पॉइंट नोट करेंगे, इट इज यूज्ड आफ्टर शॉर्ट वॉवल साउंड, वॉवल होगा एंड शॉर्ट साउंड होगी। टू पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, वॉवल एंड शॉर्ट वॉवल साउंड जब है तब उसके बाद ज साउंड अगर हमें सुनाई दे रही है तो उसके लिए हम डी जी ई का यूज करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल फ्रिज, फ्रिज। सी हेयर इट इज अ वॉवल बिफोर द ज साउंड, ज साउंड के पहले हमें वॉवल दिखाई दे रहा है एंड वॉवल की शॉर्ट साउंड है फ्रिज, राइट। नेक्स्ट ब्रिज, सेम वर्ड है, सिनोनिम्स हो गए मीनिंग वर्ड्स। नेक्स्ट जज, जज। एज, इन सब में आपको वॉवल की शॉर्ट साउंड सुनाई देगी, वॉवल के जस्ट बाद आपको ज की साउंड सुनाई देगी। नेक्स्ट
जी ई का यूज हम कब करते हैं इसका आप पॉइंट नोट करेंगे। यहाँ पर क्या था, शॉर्ट वॉवल, राइट। इसमें जब वॉवल के साउंड लॉन्ग है या फिर कोई कॉन्सोनेंट है, दोनों ही केस में आप जी ई का यूज करते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्ग साउंड है एंड वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है, दोनों केस में आप जी ई का यूज करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, विलेज, विलेज, लार्ज, केज, चार्ज। इसमें आप सब में देखेंगे वॉवल की लॉन्ग साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट है, मीन्स यहाँ पे जैसे कॉन्सोनेंट है यहाँ वॉवल है, इसकी लॉन्ग साउंड है, ऐसे ही इसमें वॉवल है लॉन्ग साउंड है, यहाँ पर आर है तो ये कॉन्सोनेंट है। इज द रूल डी जी ई ट्राइग्राफ हम तब यूज करते हैं जब जो साउंड से पहले शॉर्ट वॉवल साउंड होगी तब आप इस ट्राइग्राफ का यूज करेंगे। जी ई साउंड लॉन्ग वॉवल के साथ या फिर कॉन्सोनेंट के साथ यूज की जाती है। नाउ लेट अस रीड सम वर्ड्स विद दीज ट्राइग्राफ्स एंड डायग्राफ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्राइग्राफ, रीड इट विथ मी। एज, 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 ब्रिज, ब्रिज, प्लेज, प्लेज, स्मज, स्मज, ज, ज, जज। नाउ द डायग्राफ जी ई, क एज, केज, स्ट रेंज, स्ट्रेंज, म अर्ज, मर्ज, ह ह्यूज, ह्यूज। इसमें और इस केस में आप ह्यूज, इसमें आपने ह्यूज सुना, इसको हग नहीं सुना, मीन्स यू का हमने उसका नेम प्रोनाउंस किया है। सो व्हाई इट इज सो, बिकॉज ई इज एट द एंड ऑफ द वर्ड, दिस इज कॉल्ड द मैजिक ई। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए मेरे चैनल पे क्लास अपलोडेड है, वो आप जाके देख सकते हैं। अगर लास्ट में ई आता है किसी वर्ड में तो वो वॉवल से उसका खुद का नाम बुलवाता है, दैट मीन्स ये क्या है, यू, इसका नाम क्या है, यू, मीन्स हमें साउंड नहीं बोलनी है, हमें इसका खुद का नाम बोलना है, एंड नाम बोलने को हम लॉन्ग साउंड बोलते हैं। इसलिए हम इसके साथ जो डायग्राफ यूज कर रहे हैं वो है जी ई फॉर द साउंड ज, ह्यूज। नेक्स्ट स्टेज, स्टेज। ऑलराइट, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।